नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। दोस्तों आज 14 अक्टूबर दिन वीरवार, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आलू की। जानते हैं आलू का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, आलू की कितनी गड़ियाँ आई और कैसी बिक्री है। जो स्पेशल आलू बेचने वाले हैं आज इनके पास काफ़ी वैरायटियाँ हैं भाई साहब के यहाँ। जान लेते हैं आलू का क्या कुछ बाजार चला। सर जी नमस्कार जी, सर जी आज का अपडेट करो, आलू का कितनी गाड़ी आई, क्या पोजीशन जी? नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, 64 गाड़ी तो रात की खड़ी हैं जी, टोटल 112 गाड़ी हैं। तो आठवां नवरात्रा हो गया था कल, आज नौवीं है, तो थोड़ा बिक्री में फ़र्क पड़ जाता है। ये देखो सरकार, ये है फ्राई सोना जले सर का, ये बिका है 650 रुपये का। अच्छा जी। और ये संभल का है 37-97, ये 550 का भाई साहब। अच्छा जी। और ये जो है इगलास का 37-97 है, ये 500 रुपये का। अच्छा जी। और एक बहुत बढ़िया गाड़ी थी वो 550 की बिकी। वो कहाँ की? वो सेलमपुर की थी। वो क्या था माल, कौन सा? वो 37-97 था, साइज बड़ा अच्छा था उसका। अच्छा, बिक गई थी वो? हाँ, वो सुबह सुबह बिक गई, बढ़िया माल सुबह सुबह बिक जाता है। ये भी 37-97 है, ये देखो 450 का बिका है। ये कहाँ वाला जी? ये भी जो है इगलास का है, देखो पूरी गाड़ी बिक गई 450 की। अच्छा जी। अच्छा, ये देखो चिप्सोना है गीला, 650 रुपये का बिक रहा है, 640-650 का। अच्छा जी। अच्छा, ये सासनी का चिप्सोना है। अच्छा जी। सासनी का चिप्सोना है, साइज देखो कितना बढ़िया है। अच्छा, दोनों एक ही है? हाँ, दोनों अलग अलग लाट है, एक ही गाड़ी में है। अच्छा जी। ये तुम्हारा जो है पुखराज है जी, 302 वैरायटी। अच्छा जी। ये यही चाबा 400-450 के आसपास बिकती है जी। अच्छा जी। अच्छा, वो जो है सूर्य का गुल्ला है जी, हाँ जी, 550 रुपये का बिकेगा जी। अच्छा जी। और जो बढ़िया सूर्य जी? बढ़िया सूर्य है आपका, बढ़िया सूर्य 750-800 रुपये का। अच्छा जी। और आप देखना चाहो तो ये T7 है, हटियो बेटे हटियो, ये सरकार T7 है। अच्छा, थोड़ा साइज मीडियम रह गया, 500 की बिकी है, साइज मोटा होता तो ये 600 रुपये बिकती। अच्छा, थोड़ा साइज मीडियम है इसका। अच्छा, आलू निकालते रहना चाहिए किसानों को, बिक्री सही है। देखो निकल कम रहा है, 50-60 गाड़ी आ रही है, 50-60 खड़ी रह जाती हैं, 50-60 आती हैं। अच्छा, तो इन दिनों अगर इतनी धीरे स्पीड से आलू निकलेगा तो दिक्कत ना आ जाए, इसलिए किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आलू को निकालते रहें। अच्छा, बाकी निकल जाएगा इन भाव में आलू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये बाजार टिका तो रहेगा ना जी? हाँ, ये बाजार चलता रहेगा, 10-20 कमती पड़ती बिकता। अच्छा, रहेगा। अभी है टाइम, 15-20 दिन नवंबर के ही मिलेंगे। अच्छा, फिर भी आलू निकलता रहेगा, तो जब ही निकलेगा। आज की रौनक कैसी है जी मंडी में? रौनक देखो जी, नौवां नवरात्रा है, फर्क तो है। अच्छा, बाकी फिर भी अच्छे माल की बिक्री है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, लोकल तो खपत है, फर्क पड़ जाता है आखिरी नोटे में, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, मगर जैसे बाजार लग रहा था भी नॉर्थों में बम फट जाएगा, टूट जाएगा, 100-100 रुपये उड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं गुजरी, 9 के 9 नॉर्थें गुजर गए। अच्छा, और नॉर्थों में अगर भाव नहीं टूटे तो समझो भाव स्टैंड रहता है। अच्छा, मैं समझता हूँ इसी भाव में आलू आराम से निकल जाएगा, कोई बात नहीं। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलते हैं। फर्म का नाम है अशोक आलू कंपनी, A291 सब्जी मंडी आजादपुर। टेलीफोन नंबर है 9810053673। बेचते रहो आलू को, निकालते रहो, सबको भाव मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों इन्होंने जो भी रेट बताए, ये 50 किलो की बोरी के रेट बताए। दोस्तों अब अगली दुकान पर पता करते हैं जी, इनके पास ये लाल आलू आता है और इनके पास ये हल्द्वानी वाला आलू आता है, जो स्पेशल हल्द्वानी का आलू बेचते हैं ये, इसको बोलते हैं हल्द्वानी वाला आलू। ये मोटा भी होता है और खाने में अच्छा होता है, क्योंकि ये पहाड़ी आलू होता है, पहाड़ी आलू में गिनती होती है। जानते हैं लाल आलू का और हल्द्वानी वाले का क्या कुछ रेट चला। सर जी नमस्कार जी, सर जी हल्द्वानी वाले का क्या कुछ बाजार चला जी? हल्द्वानी बिक रहा है 950-1000। अच्छा, 950-1000 रुपये। और ये लाल वाला कहाँ वाला है जी? लाल गुजरात का है। और क्या कुछ रेट है जी? ये बिक रहा है जी 450 से लेकर 550 तक, 400 से लेकर 550 रुपये की बोरी 50 किलो की। अच्छा, धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल लो जी। दुकान नंबर है 294, कॉन्टैक्ट नंबर 9891337294। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये था हल्द्वानी वाले आलू का और गुजरात वाले लाल आलू का भाव। दोस्तों कल दशहरा है, दशहरे के दिन मंडी सिर्फ 12 बजे तक खुली रहेगी, 12 बजे के बाद मंडी बंद हो जाएगी दशहरे वाले दिन। दोस्तों अब बात करते हैं 14 अक्टूबर के दिन अदरक की। जानते हैं अदरक का मंडी में क्या कुछ बाजार रहा, कितना माल आया, कितनी नई गाड़ियाँ, कितनी पुरानी, टोटल कितनी आई, जान लेते हैं जो स्पेशल अदरक बेचते हैं भाई साहब यहाँ। हाँ जी दोस्त नमस्ते जी, कितनी गाड़ियाँ आई भाई साहब जी? 32 गाड़ी है, 24 गाड़ी नई की, 8 गाड़ी पुराने की।
ये नया है, ये नया है, ये डीके मार का है, मंडी का टॉप माल है, इसको डीके हसन की माल होता है। हाँ, सबसे सुपर मंडी का टॉप माल है ये। ये आज चलेगा 22 से 25, 25 रुपये, क्योंकि बाजार आज डाउन है नवरात्रा लेके। ये मोर है, ये 25 से 30। मोर क्यों बोलते हैं? ये हसन, ये जो पुराने में से जो निकलता है उसी को मोर बोला जाता है। इसका रेट क्या है? ये चलेगा आज 25 से 28 रुपये। अच्छा, ये बड़ा भाई, ये पुराना है। अच्छा, ये कर्नाटक कर्नाटक का है। अच्छा, इसका क्या रेट चला? ये चलेगा आज 60 से 65। अच्छा, और वो दूसरे वाला? ये भी मोरी है। इसका क्या रेट है? इसका भी यही सेम रहेगा, दोनों मोरी है, दोनों एक ही लाट है। ये इसका, ये पुराना है, कर्नाटक की है। सबसे हाई रेट क्या है मंडी का? 65 रुपये। आज डाउन है? डाउन है, बाजार बहुत डाउन है आज नवरात्रा लेके। धन्यवाद दोस्त।